नमस्कार, माय नेम इज के मेनन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। नमस्कार, माय नेम इज सुधांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। ओवरऑल कहानी और स्पोर्ट्स फिल्म से अलग एक संदेश लेती हुई ये फिल्म है कि लाइफ में स्पोर्ट्स जरूरी है, जीतना और हारना उसका एक पहलू है, लेकिन एक स्पोर्ट्स व्यक्ति को कैसे बदलता है और उसके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, ये उसकी कहानी। बिल्कुल सही। बेमतलब दुनिया में वो हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता पहली पहचान है। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर, एंड लव यू फॉर लव यू ऑल लाने के लिए। थैंक यू। 28 साल हो गए सर आपको इंडस्ट्री में, और हर किसी एक्टर की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आपके एक्टिंग में सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव हमने देखा है, उतार कभी देखा नहीं है। यहाँ पर भी हम पोस्टर में देख रहे हैं, ट्रेलर में देख रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन, आपका काम जबरदस्त है। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके के कैरेक्टर इस बार आप हम सभी के लिए लेकर आए हैं? कहानी के बारे में सुधांशु बताएंगे। देखिए, किरदार जो है वो के सर का एक पिता का किरदार, जिसका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव रख रहा है, और इस तरह से उनके अपने एक अनुभव लाइफ के ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि उस दिशा में बढ़े, वो ट्रेलर में भी दिखाई देता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, जो कि व्यक्ति रेलवे में जॉब करता है, उस तरह का बैकग्राउंड है। कहानी की बात करें तो बैडमिंटन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा है। लवॉल शब्द भी वहीं से निकला है, क्योंकि लवॉल से ही बैडमिंटन की शुरुआत होती है, जब स्कोर 0-0 होता है। तो और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस खेल पे इस तरह की फिल्म बनाने का हमें मौका मिला, जो एक प्रोफेशनल बैडमिंटन को दिखाने में सक्षम है, या हमारी कोशिश है वो तो जनता तय करेगी। तो ये एक ओवरऑल कहानी और स्पोर्ट्स फिल्म से अलग एक संदेश लेती हुई ये फिल्म है कि लाइफ में स्पोर्ट्स ज़रूरी है, जीतना और हारना उसका एक पहलू है, लेकिन एक स्पोर्ट्स व्यक्ति को कैसे बदलता है और उसके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, ये उसकी कहानी। बिल्कुल सही। लेकिन सर, आपने इस फिल्म में दिल, हाथ और दिमाग तीनों लगा दिए, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आप तीनों ही हैं जी। कहाँ से सर आपको ये कहानी का ख्याल है कि मुझे अब इस पर फिल्म करनी है? एक तो ये कि मैं खिलाड़ी रहा हूँ बैडमिंटन का, एक स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं बैडमिंटन खेला हूँ, तो वो अनुभव उस टूर्नामेंट्स के, स्पोर्ट्स के, उसके उतार चढ़ाव वो कहीं ना कहीं जहन में था। फिर थोड़ी सी दिशा बदली और मैं क्रिएटिव लाइन में, एडवर्टाइजिंग में आया, तो फिर ये कहानी पे मैं मन में चलती रही कहानी, सुनता रहा, सुनाता रहा, और वहाँ से डेवलप होके फाइनली इसने एक फिल्म का रूप ले लिया। के सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज के बच्चे, जो आज की जनरेशन जो आ रही है, कहीं ना कहीं मैदान से कम फोन में अपने खिलौने, इतना ही है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मैदान दिया जाए, बच्चों को बाहर, आउटडोर ज़रूरी है, वरना आगे जाके ना बहुत प्रॉब्लम हो जानी होगी। मेरे ख्याल से कई बार मैं सुनता हूँ बच्चों को बोलता है कि मैंने अभी टेनिस खेल के आया हूँ, तो मैं पूछता हूँ कहाँ, किधर, क्या, तो वो बोलते हैं कि मैं वो प्ले स्टेशन पे। तो यू नो, तो आपको बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि बच्चों का वो एरिया नहीं है, बच्चों का एरिया है बाहर, खुले में खेलो, गिरो, चोट लगाओ, पहुँचो, सब कुछ करो, यू नो, दौड़ भाग। तो वो जब नहीं होता है तब बड़ा दुख होता है, और मेरे ख्याल से ये अभी से ज़रूरी है कि, अच्छी बात है कि सरकार ने अभी वो कंपलसरी करना शुरू कर दिया स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, जो अच्छी बात है, बिकॉज उसका जब चस्का लगता है ना, फिर वो कभी जा कर के उस फ़ोन पे, उस पे नहीं लगेगा। जैसे आजकल सभी को, मतलब जो मोस्ट पेरेंट्स हैं बच्चे, उन्हें ना हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कल्चरल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा दिया गया है, और देखा जाएगा तो कम ऐसे बच्चे हैं, कम ऐसे पेरेंट्स जो उसका लाभ ले पाते हैं, वो ज़्यादा तक वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आपको क्या लगता है जो स्पोर्ट्स है अभी आगे की जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी। अगर आप स्पोर्ट्स को ज़िंदगी की तरह, अगर आप उसको अगर विनिंग लूजिंग के हिसाब से देखोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि वो दैट इज़ अ मेंटल स्ट्रेन। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट करना अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी निजी ज़िंदगी में बड़ा काम आता है, क्योंकि फिर वहाँ पे जब आपको हारते हो, जीतते हो, स्पोर्ट्स आपके काम में आता है कि आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो। तो स्पोर्ट्स में क्या है, हार जीत हर दिन होते रहते थे, तो आपका फोकस हैज़ टू बी जस्ट प्लेइंग द स्पोर्ट। तो आप जिसको बोलते हैं ना एक स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या है, वही है कि आप एक संयम रखें, एक यू नो, एक कीप अ बैलेंस इन योर प्लेइंग, टुडे यू विल विन, टुमारो यू विल लूज, वैसे वो एक मेंटल स्टेट बन जाती है, उसके बाद फिर इंसान को ज़िंदगी जीने में आसानी हो जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस अपनी फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को?
देखिए मैसेज तो बड़ा स्पष्ट है, स्पोर्ट्स की जो बात हो रही है कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा स्पोर्ट्स बने, और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनके मन में अगर ये ऐसा है कि भाई क्या है, तो वो एक एक रास्ता देती है फिर। और मूल संदेश यही छिपा हुआ है इसमें कि स्पोर्ट्स आपको जीने का तरीका सिखाता है, आपको गिर के उठने का तरीका सिखाता है। और बड़ी ज़रूरी फिल्म है इसलिए कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो समस्या है, उसका कहीं कोई हल है तो स्पोर्ट्स में है। तो ऐसी चीज़ें अगर इंस्पायर करती हैं तो ये फिल्म एक ये संदेश तो डेफिनेटली देती है। सर आप तो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन, लेकिन आपका सर कैसा? बचपन से लेकर जुड़ा हूँ स्पोर्ट्स से, इतना ही है कि मास्टरी नहीं है, बट मैं खेलता रहता हूँ। हर एक किस्म का स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ और अब भी खेलता हूँ, और मेरे ख्याल से जब तक मैं 90 का नहीं हूँ, अगर मैं जिंदा रहूँगा तब तक और अच्छा खेल तो मैं खेलते रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान एक ना एक स्पोर्ट पकड़ ले, क्योंकि वो ज़िंदगी में बड़ा काम आता है। और ये फिल्म बेसिकली हम ये ना कहें कि सिर्फ बच्चों को इंस्पायर, ये हर आदमी अगर इस फिल्म को देख के आपका मन ऐसा कर जाता है कि चलो स्पोर्ट्स शॉप चल के रैकेट वगैरह कुछ लेते हैं और शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सफलता होगी हमारी। और उसमें लाइन भी है एक अंत में जो हम यूज़ करते हैं कि खोज लें खोई गेंदें, टूटे बल्ले जोड़ लें एक बार, फिर लव ऑल बोल दें, फिर शुरुआत कर दें। लास्टली फैंस एंड ऑडियंस की क्या जो वेट करिए 25 अगस्त का? बस यही है, अगर आपको सिंसियर सिनेमा पसंद है, सिनेमा पसंद है पहली बार, और जो जिसकी कमी है बड़े पर्दे पर, आपको आपने देखा OTT पे कंटेंट की वजह से किस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, सेम थिंग मैं चाहता हूँ कि बड़े पर्दे पे भी शुरू हो जाए। ये हमारी शुरुआत है, एक अच्छी फिल्म बनी है, सिनेमा, इट कैन बी सीन एज सिनेमा। एंड दूसरी बात यह है कि पहली बार बड़े पर्दे पे बैडमिंटन जेन्युइनली दिखाया गया प्रॉपर, जहाँ पे बैडमिंटन स्टार है, तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप सभी बच्चों को प्लीज़ दिखाइएगा ये फिल्म। एंड जैसे सुधांशु कह रहे थे कि बड़े लोग जो एडल्ट हैं उनको भी बड़ा काम आएगा ये फिल्म, और एक सिंसियर हार्टफेल्ट फिल्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फिल्म है, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये हमारी गारंटी है। बाकी हमारी उम्मीद है कि आप लोग, हमने तो पूरा प्रयास कर लिया इसमें, अब उम्मीद है कि आप भी प्रयास करेंगे वहाँ से उठ करके एक थिएटर पर जा करके इस फिल्म को देखें 25 अगस्त को। एक बात और जोड़ूंगा मैं कि जो सिंसियर एफर्ट की बात चल रही है, बैडमिंटन के एफर्ट्स की बात करें तो गोपी चंद जी ने इस फिल्म को एज अ प्रेजेंटर इसमें शामिल हुए हैं, हमारे साथ आए हैं, तो वो एक तरह से सर्टिफिकेट है हमारे लिए कि किस लेवल का इसमें या किस क्वालिटी का इसमें बैडमिंटन दिखाया है। क्योंकि जो इस लेवल के कोच हैं वो ये तो कहीं बर्दाश्त नहीं करते कि कुछ गलत तरीके से कुछ हो, तो उनने फिल्म देख कर उसके साथ जुड़े हैं। तो क्या आपको बैडमिंटन मिलेगा जो बड़ा स्क्रीन का साइज होता है वो लगभग बैडमिंटन कोर्ट जितना होता है, तो जब आप उस पूरी स्क्रीन पे वो बैडमिंटन कोर्ट को देखते हैं और खेलते हुए देखते हैं उस लेवल का बैडमिंटन, क्योंकि ये सभी बच्चे प्रोफेशनल हैं जिनको हमने एक्टर बनाया है, वो आज कोई इंटरनेशनल खेल रहा है कोई नेशनल है, तो वो वैसा खेलते हैं जैसा आपने टीवी पे आप इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं। तो वो एक बड़ा प्रयोग भी है और उस खेल को खूबसूरती दिखा रहा है। 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म आ रही है, और जिसमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला ये भाषाएं हैं। और एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस को लेके इसलिए हमें एक और सर्टिफिकेट है कि महेश भट्ट साहब ने इस फिल्म को के साथ जुड़े हैं एक तरह से, वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके कमेंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक स्टोरी की तरह ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट। तो 25 तारीख को ज़रूर देखें, फैमिली के साथ देखना ही चाहिए, बच्चों के साथ देखें, और सभी का स्वागत है लव ऑल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर 25th। थैंक यू सर, थैंक यू।